मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ध्यान दे भाई, सबसे बड़ी बात है मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर में तो यहाँ की पुलिस जो मैं क्या कहूंगा। गृह मंत्री अनिल विज जरूर ध्यान दे कि आपकी पुलिस कैसे कारनामे कर रही है और कैसे गुल खिला रही है, ध्यान दे। ये सब आप एक बार दिखाना, देखिए दोबारा से लाइव फेसबुक लाइव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से एएसपी आईपीएस अधिकारी मेघा भूषण जी बात कर रही थी, उस तरीके से लगता है कि पुलिस के ऊपर बहुत ही भारी प्रेशर है, चाहे वो सरकार के कुछ मंत्रियों का प्रेशर हो या किसी विधायक का प्रेशर हो या किसी जो है एमपी का प्रेशर हो, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ऐसे दबंग लोगों का प्रेशर हो जो अपने आप में जो है बहुत बड़ी दबंगई रखते हैं, यानी कि इन लोगों ने कार्रवाई ना करने की कसम खा ली और यू कान पकड़ लिए इन्होंने कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अब खुद सत्यवान जी मेरे पास मौजूद है जो कि शिकायत करता है। सत्यवान जी आप बात बताएं कि जो है पुलिस कार्रवाई के नाम पे कैसे ढिलाई बरत रही है, और आपके पास सारे सबूत हैं जो आप पुलिस को उपलब्ध करा चुके हैं, कार्रवाई होगी अब तो अच्छे से होगी? बोले आप थोड़ा नजदीक नजदीक हो जाओ बीच में दोनों। आज भी बस में चलते चलते एएसआई कंसाला का फोन आया कि एएसपी मैडम बुला रहे हैं सांपला। वो किस लिए बुला रहे हैं? क्योंकि बार बार पंचायतें की जा रही हैं दोषी व्यक्तियों द्वारा, और हमारे पर प्रेशर डलवाया जा रहा है कि भाई ये मुकदमा वापस उठा लिया जाए। तो हम किस लिए मुकदमा वापस उठाए? क्योंकि हमारे ऊपर एक तो हमारी जमीन दबा ली और ऊपर से अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, तो ये अच्छा हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम मजबूर होकर के यहाँ तक आना पड़ा। आप भी बोलो सत्यवान जी। और कल भी हमारे को ये पुलिस चौकी धर्मशाला में बुला करके समझौता कराने की काफी प्रेस किया गया, दबाव दिया गया। ये बात दोबारा बोलो, कौन सी चौकी? कंसाला चौकी। हाँ जी, कंसाला चौकी रोहतक में पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़ित सत्यवान को बुलाया और समझौता करने का दबाव बनाया कि आप समझौता करें, पैसा चाहिए पैसा ले लो। और ये भी बोला, क्या बोला? कुछ पैसा, अगर आपको पैसा चाहिए तो उनको पैसा चाहिए पैसा ले लो, आपका वकील कौन है? पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, ये भी बोला गया, यानी कि पैसों का लालच भी दिया गया। जमीन दबाई गई है, कार्रवाई के नाम पर जो है खाना पूर्ति की जा रही है। पुलिस कौन सी चौकी बताई थी? कंसाला पुलिस चौकी, कंसाला पुलिस चौकी में बुला करके पुलिस के द्वारा ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप समझौता करें। अब आईपीएस मेघा भूषण नाम ना, क्या जवाब देंगे? आपके ऊपर कार्रवाई होगी मैडम, हम आपसे बात कर रहे थे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल आपके ऊपर कार्रवाई होगी। भाई शेयर करके इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं। और इससे पहले की एक वीडियो थी उससे रिलेटेड ये वीडियो है, रोहतक का आईएमटी थाना, मैं बता देता हूं, वहां पर जो है 45 गज भूमि पर कब्जा किया गया अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, और आईपीएस मैडम मेघा पाटेकर, उन्होंने खुद आईपीएस बताया, मुझे नहीं पता वो एचपीएस है कि आईपीएस है, आईपीएस है एचपीएस है, ठीक है। तो दूसरा जो है खुद कहती है कि मेरे पास आओ, और आने के बाद में मेघा भूषण है वो इनको दबाव डाल करके इनके ऊपर इनसे समझौता करवाना चाहती है। इधर से गांव में पंचायतें करके सामाजिक बहिष्कार करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ध्यान दे भाई, सबसे बड़ी बात है मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर में तो यहां की पुलिस जो मैं क्या कहूंगा। गृह मंत्री अनिल विज जरूर ध्यान दें कि आपकी पुलिस कैसे कारनामे कर रही है और कैसे गुल खिला रही है, ध्यान दें। अगर सरकार चलाना बस की बात नहीं है तो हमें बताएं, हम चलाएंगे सरकार, फिर बताना अगर एक भी एट्रोसिटी हो जाए तो डंके की चोट पर हम भी यही हैं, हम सरकार चला के बताते हैं आपको। अगली बात करते हैं कि दबाव डाला जा रहा है और पंचायतें करके सामाजिक बहिष्कार करने की धमकियां दी जा रही हैं, और जो है खेतों में महिलाओं को जबरदस्ती बुला करके उनका मुंह खुलवाया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है,
उनकी वीडियो वगैरह बनाई जा रही है, घास की घास बुलाने लेने के नाम पे उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है और फिर गठड़ियां जो है घास की वहां रोड पे गिरवा ली जाती है और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। वो महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है, शिकायत करने की अवस्था में नहीं है। पुलिस इसका फायदा उठा रही है, पुलिस कहती है शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत नहीं आई तो हम क्या करें। मतलब इतनी गुंडागर्दी हम तो नहीं चलने देंगे। मेघा पाटेकर जी, पाटेकर नाम है, भूषण है, भूषण है, मेघा पाटेकर, मेरे मेघा पाटेकर नाम ध्यान आ गए, फेमस नाम है, इसलिए मेघा पाटेकर उर्फ मेघा भूषण जी, सॉरी मेघा भूषण जी, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे अच्छे से आपका, तो ध्यान रखें। अभी आपके ऊपर कार्रवाई जो है, लीगल कार्रवाई जो प्रोसीडिंग जो है इंपॉर्टेंट है, और आप मुझे धमकी दे रहे थे, एक शेड्यूल कास्ट के सदस्य को, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को धमकी दे रहे थे आप, उसका भी आपको खामियाजा जो है लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से भुगतने के लिए आप तैयार हो जाए। बिल्कुल, आप अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं और दबवाने का काम कर रहे हैं, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बात बताओ, आगे बात बताओ, फिर क्या हुआ उसके बाद में? जो फिर वहां से मैं बार बार मतलब उठने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बैठो तो कोई बात नहीं, पैसे का भी लालच दे रहे हैं और बोल रहे हैं लास्ट में होना तो फैसला ही है। बोला क्या फैसला, यही फैसला कर लो, फैसला लिख कर देखो। हमने दो दिन के बाद फिर मैं बोला महाराज जी मैं अपने वकील की सलाह लेकर के जो है मैं बताऊंगा। बोला आपका वकील कौन है? फिर मैं हमने बता दिया कि मिस्टर सतपाल तावर की मैडम को वकील किया हमने, तो ये बोलने पर उनका हिम्मत नहीं पड़ा, फिर कुछ हमारे से पूछा नहीं गया, फिर मैं आ गया, बाहर निकल के आ गया। पंचायतों में भी आपके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं गए, तीन बार पंचायत में करके, और हमारे पास बार बार हमारे घर पे आ जा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल लेकर के बाहर निकल गए ताकि हमारे को कोई ऐसे ना, बार बार आकर के बहुत प्रेस किया जा रहा है घर पर जो पंचायत में बुला करके, बहिष्कार करेंगे या आप लोगों को जो है आपके साथ में अच्छी अच्छा वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, मतलब सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है? सामाजिक बहिष्कार, आप अच्छे से ये बात बताओ, सामाजिक बहिष्कार करने की बार बार धमकी दी जा रही है? सामाजिक बहिष्कार करने की धमकियां दी जा रही हैं, मिर्चपुर कांड दोहराने की धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, मारने कूटने की धमकियां दी जा रही है। बोला या तो समझौता कर लो नहीं तो फिर जो ना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब रोहतक की पुलिस, रोहतक के एसएसपी, रोहतक के एसपी ध्यान से सुन लें इस बात को और इस वीडियो को, रोहतक के एसपी तक जरूर पहुंचाएं। और साथ में, हालांकि मैं फोन करके ही बोल सकता हूं, लेकिन वीडियो का प्रभाव जो है ना उसके मन मस्तिष्क पर पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीमसेना रोहतक में है भाई, ये मत समझना भीमसेना नहीं है रोहतक में, आ रहे हैं और खुद मैं भी आ रहा हूं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी रोहतक में, हम ये गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। ध्यान रखें, ऐसे एसपी साहब आप भी इस बात का ध्यान दें, और जो अभी एएसपी मैडम आप बात कर रहे थे, आप इस बात का विशेष ध्यान दें। कानून जो है आपके हाथ की कोई कठपुतली नहीं है कि जैसे मर्जी आप नचाओगे, हम कानून को नचाने नहीं देंगे, क्योंकि कानून के रचयिता हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आप समझौते का दबाव डाल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी नजरों में आपको यह शोभा देता है तो फिर जो है हमें मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होना होगा, यह ध्यान रखें। क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।